उज्जैन के आश्रम से फरार हुई 5 युवतियों को नागदा जीआरपी पुलिस ने पकड़कर उज्जैन पुलिस को सुपुर्द किया। मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में रहने वाली गोरी प्रेमा सोमड़ी मंजू को आश्रम का वातावरण पसंद न आने के कारण वहां से मंगलवार रात मुखातिक फरार हुई, जो सुबह मेमू ट्रेन से नागदा आ गई, जिनको सूचना के तौर पर नागदा जीआरपी पुलिस ने पकड़कर भैरवगढ़ पुलिस में सुपुर्द किया गया। गौरतलब है कि 5 युवतियों में से 4 मुखमदिर एवं 1 सामान्य युवती बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव तिवारी है और मैं सेवाधाम आश्रम में रहता हूं। मैं और सीनियर कोऑर्डिनेटर हूं यहां पर। तो हमारे आश्रम में करीब 500 लोग रहते हैं, उसमें महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, मनोरोगी महिलाएं, निशक्त सभी लोग। तो आज ये 5 लड़कियाँ जो भागी हैं प्रातःकाल, तो इनको सारी सुख सुविधाओं का हमारे आश्रम में साधन था, किसी प्रकार से कोई तकलीफ भी नहीं थी। इनको सुबह चाय नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन मिलता है, लेकिन ये उन्मुक्त वातावरण की आदि थी। ये है यहाँ सारी व्यवस्था होने के बाद भी ये सोचती हैं कि बाहर का जीवन बहुत अच्छा है, हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हमको और अच्छा लगेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, दोनों टाइम भोजन मिलेगा, उन्मुक्त वातावरण मिलेगा, इस कारण ये यहाँ से आश्रम से भागी है। कितनी लड़कियाँ हैं? 5 लड़कियाँ। क्या क्या नाम है उनके? गौरी, प्रेमा और 3 लड़कियों का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिसमें से 4 मूक बधिर हैं और 1 साधारण है। वो एज क्या होगी लगभग उनकी? ये करीब 25 से 30 के लगभग इनकी होगी। 25 से 30। जी जी। कारण क्या रहा उनका? इनका कारण तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, इनको स्वच्छ वातावरण हमारे आश्रम में है, किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। ठंड में इनको सब ब्लैंकेट दिए गए, इनको स्वेटर्स दी गई, शॉल दी गई, और अभी तक तो कल तक ये स्थिति थी कि बहुत हंसी खुशी वातावरण में रह रही थी, कभी सोचा कल्पना भी नहीं की थी ये इस प्रकार के कदम उठाएंगी भागने का। युवतियाँ आपको मिल चुकी हैं? युवतियाँ यहाँ पर सूचना मिली कि ये लोकल ट्रेन में बैठ के नागदा आ गई हैं और जीआरपी पुलिस स्टेशन में है। जैसी सूचना मिली तो आश्रम के सभी लोग यहाँ आए उसको लेने के लिए। अब पुलिस कार्रवाई चल रही है, उसके बाद में फिर। आपको इसकी जानकारी कब मिली? इसकी जानकारी हम लोग जब वहाँ से आसपास इलाके से ढूंढने निकले, उसके बाद रेलवे स्टेशन पे गए, तो वहाँ से जानकारी मिली कि ये लोग लोकल ट्रेन में बैठ के नागदा की तरफ गई हैं। ये कितने बजे करीब? और लगभग 6 बजे के लगभग निकली वहाँ से ट्रेन में बैठ के। हाँ, तो उसके बाद ही थोड़ी देर बाद सूचना मिली कि ये रेलवे स्टेशन नागदा पहुँच गई हैं और जीआरपी थाने में है। ये ऐसी जानकारी लगी थी कि कल 12 बजे से फरार है लड़के, ऐसा कुछ नहीं? ऐसी कुछ हमारे आश्रम में जो महिला वार्ड है वहाँ के जो इंचार्ज हैं मामी जी, जब वो सुबह प्रातःकाल 5 बजे उठी तब उनको जानकारी लगी कि हमारे यहाँ की 5 लड़कियाँ हैं वो आश्रम से भागी हैं। आपका आश्रम उज्जैन में कहाँ पर है? हमारा आश्रम जो है उज्जैन में गंभीर डैम रोड पे अंबुदिया गांव है, वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। और कितने वर्षों से संचालित हो रहा है? हमारा आश्रम करीब 30 वर्षों से संचालित हो रहा है और हमारा जो आश्रम है उसके जो संचालक महोदय हैं उनकी 30 वर्षों की संघर्ष की यात्रा है, जिनके कारण ये आश्रम स्थापित हो पाया है। क्या नाम है संचालक जी का? संचालक जी का नाम है सुधीर भाई गोयल। और कितनी वहाँ पे युवतियाँ अभी रह रही हैं? वहाँ युवतियाँ तो करीब एक वार्ड में 150 महिलाएं हैं। अच्छा जी। और छोटे बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। कितने संख्या है करीब बच्चों की? और जेंट्स भी हैं। एक मेल वार्ड है उसमें करीब 100 लोग रहते हैं। अच्छा। और एक MR जो बच्चे हैं, मनोरोगी बच्चे भी हैं, मूक बधिर भी हैं। आप कितने बजे से ढूंढ रहे हैं इनको? हम लगभग सुबह 5 बजे से जैसी जानकारी मिली उसी समय सब लोग गाड़ियां लेके निकले। अभी कितना स्टाफ आया हुआ आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ करीब 7 लोग आए हुए हैं, 9 लोग आए हुए हैं। आपकी चर्चा हुई अभी उन लड़कियों से? नहीं, हमारी कोई चर्चा नहीं हुई, ना हम अभी उनसे कोई मिलने गए हैं। अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है इसलिए हम लोग अभी बाहर हैं। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं बिहार से जनता शिक्षा केंद्र खाचौत में हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? बिना टिकार। क्या है चर्चा में? क्या होता है चर्चा में? यही रीजन निकला है कि उनको आश्रम में अच्छा नहीं लगता, इसके कारण वो वहाँ नहीं आना। कुछ कारण है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण तो कुछ बताया हुआ, रीजन क्या है? यही बताया कि मुझे हम लोगों को वहाँ अच्छा नहीं लगता। किस कारण से? मतलब क्या वो अनुशासन ज्यादा है कि या कुछ खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है या मारपीट हो रही है? नहीं, खाने वगैरह का उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। साइन लैंग्वेज में उन्होंने जो बताया कि हमको वहाँ अच्छा नहीं लगता इसलिए हमको
तो कैसे क्या बाकी मैडम वहाँ से, मतलब कैसे क्या निकले कुछ बताओ? वो तो वहाँ से कैसे क्या निकले, उन्होंने बस ये बताया कि हम पैदल पैदल निकले हैं। कितने कहाँ से? तो रात को कितने निकले, मतलब रात को ये समथिंग 12-1 बजे पर निकली होगी वहाँ। हमको जानकारी लगी कि अभी आप लोगों के बीच में उन्होंने स्वीकार किया कि मारपीट होती है, उसके बाद आप मामला क्यों छुपा रहे हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ मुझे तो उन्होंने साइन लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं बताया कि मारपीट हो रही है या कुछ नहीं। हम लोगों ने सर के सामने ही, मैंने आपसे ये बता रहे हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, ये जानकारी लगी अभी साहब ने बताया, ऐसा ही साहब ने उन्होंने बताया कि खाना अच्छा नहीं मिलता है इस वजह से। आप उस चीज को या तो बता नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता है क्या। लैंग्वेज में उन्होंने जो बताया, मैंने जितना मुझसे सर ने बताया कि आप इतना ये पूछो कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों भागे वहाँ से, उतना ही अच्छा मैंने। ये आप लोग कब आ गए, कब से पूछा चल रही इनसे, मतलब कितने घंटे आप लोग? सर ने जैसे मुझे बुलाया सुबह, कितनी मैं सुबह आ गई थी 10 बजे यहाँ। अच्छा, मतलब 5 घंटे हो गए अभी लगातार आपको, है ना? अच्छा, इन्होंने ये तो बताया, मतलब कि ये ट्रेन में आएगी, पैदल आएगी, कहाँ से क्या कुछ नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, इन्होंने कुछ पता कहाँ की रहने वाली, कुछ बताएं कहाँ की रहने वाली है? कोई इंदौर उज्जैन जबलपुर बोल रहे कहाँ की? कुछ दो लड़कियों ने बोला है कि भोपाल से आई है। कौन है दो लड़कियाँ? उनके नाम जब प्रेमा या प्रिया, मंजू, गौरी। प्रेमा और गौरी। अच्छा, कितने वर्षों से वहाँ रह रहे थे, कुछ बताया उन्होंने? प्रेमा तो अभी 3-4 महीने से वहाँ रह रही थी। अच्छा, और गौरी मतलब 7-8 साल पहले से ही रह रही थी। और बाकी जो है, ये बाकी जो है, ये बाकी बता नहीं पा रही है जो ये लड़के मुख बता रही है। एक कोई बोल भी पाती है, एक लड़की एक थोड़ा थोड़ा बोलती है, बाकी सब मुख बताती है। क्या नाम है उनका? मंजू है। अच्छा, उनकी क्या उम्र क्या होगी लगभग, उनकी उम्र क्या होगी? 40 है ना। बस खाना है और इसका ही बता रहे हैं बस बस इतना, ऐसा कुछ भी रीजन नहीं बता रहे हैं। मैं वहाँ MRC हूँ। कहाँ पे? जनपद शिक्षा केंद्र खाजोद में मोबाइल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ मैं वहाँ पे। मोबाइल रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। ठीक, थैंक यू। एक का नाम सामड़ी, दूसरे का नाम प्रिया, तीसरा प्रेमा और मंजू और गौरी। ये सर कितने दिन से आश्रम से? कल रात के बता सर। कारण क्या रहा, कुछ कारण पता चला? कारण तो कुछ भी नहीं बता रहे, खाना क्या बता रहे, बस खाना हमको अच्छा नहीं मिलता है और अच्छा नहीं लगता है यहाँ रहना बस। मतलब आश्रम को अब सूचना लगी, आश्रम प्रबंधन को सूचना कब लगी? ये तो अभी हमको सुबह ही सूचना मिली। इनको कब लगी, उनको जान के मतलब 3 बजे बजी रात को 2 बजे? आश्रम वालों से बात नहीं हुई मेरी, जानकारी लगी कि लड़कियों ने मारपीट का भी कारण होता है कि मारपीट? नहीं नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं बता। नहीं, उनको ऐसी जानकारी लगी कि आपसे चर्चा में उन्होंने स्वीकार किया कि मारपीट? नहीं नहीं, अभी नहीं। तो ये किसी वहाँ आश्रम के कोई साथ में भगाने में कोई आश्रम का? नहीं नहीं, साथ में था या कोई नहीं? इच्छा से अपनी इच्छा से अच्छा नहीं लगा। मतलब यहाँ आधा कैसे पूछी सकी? वो तो उनको कुछ नहीं मालूम कि हमको ट्रेन में बैठ के और निकलना था, उनको कुल मिला के अच्छा से ट्रेन में बैठना पड़ा। आश्रम ट्रेन के स्टेशन पास से सर, स्टेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, स्टेशन पर कैसे पूछी सकी? ये बता रहे हैं कि हमको ट्रेन में बैठ गया, हमको कहाँ जाना था ये भी नहीं मालूम। स्टेशन तक कैसे पहुँचे सर? ये तो पूछते पूछते पहुँच गए। सर ये आश्रम से कितने बजे करीब निकले? ये तो समय निश्चित नहीं है हमको। तो मामले में आगे क्या प्रोसेस रहेगी सर? इनको क्या आश्रम में दे रहे हैं या किसी क्या हो? नहीं नहीं, अभी बड़े अधिकारियों को समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर ये आश्रम भेजेंगे या ये अपन निर्णय नहीं ले सकते? इनका सब पता करेंगे कहाँ के परिवार का, कहाँ पे लड़कियों का कुछ? ये सब अलग अलग, कोई इंदौर का है बता रही, कोई भोपाल का बता रहे। तो वहाँ पर जब अपने करा पता कुछ वहाँ भेजी थी, भेजा नहीं? अभी तो पूछताछ ही चल रही। सर इस आश्रम की सुरक्षा की भी जांच होगी क्या? सुरक्षा के घेरा तोड़ के कैसे लड़कियाँ बाहर होगी? ये तो अपन कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं आया सर सामने, खाने की वजह बता रहे हैं आप, खाने के अलावा भी दूसरी कुछ चीज सामने आई हो? कोई चीज नहीं बता। सर ये सभी का मुख बदल क्या? हाँ सभी। तो सर इनसे किस तरह पूछताछ के बने, किसको बुलाया पूछताछ के लिए? कौन सी मैडम? बीना। बीना है? बीना। कहाँ से? बीना। बीना कटिकार। टिकार कहाँ से है सर? ये कहाँ से सर? ये शिक्षा विभाग में है ना, ये अपने मूक विदर ट्रांसलेशन भाषा समझने और महिला विकास से भी है। सर जो अभी इनमें किस किस लोगों को बयान दिया इस मामले को लेकर? महिला विकास का नाम क्या है इनके परिजनों से कोई किसी को बुलाया है क्या? नहीं अभी तो परिजन है नहीं ना इनके परिजन, ये केवल शहर बता रही है, केवल शहर बता रही है, एड्रेस नहीं बता रही कि ये एड्रेस। सर 4 में से 1 बोल पा रही है ऐसा जानकारी लगी है, और आप बता रहे हैं 5 बोल ही नहीं रही है। बोल देखे
वो भी रुक रुक के बोल रहे हैं। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम और जीआरपी थाना उज्जैन से हमारे सूचना आई थी कि सेवाधाम आश्रम की कुछ 5 लड़कियां मुखबधिर निकल गई हैं, तो आप जो है मेमो ट्रेन में दिखवा लें। तो हमने उनको मेमो ट्रेन में दिखवाया हमारे फोर्स के साथ, तो वो लड़कियां मिल गई महिला रक्षक के साथ। उनको हम यहाँ पे लेके आए और कंट्रोल रूम और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को हमने सूचना दी, तो वहाँ से भैरूगढ़ से SI परते साहब और महिला सशक्तिकरण की टीम और मुखबधिर को जानने वाली महिला वगैरह जो NGO की ये लोग आई हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं, जांच कर रही हैं कि क्यों निकली और क्यों भागी वहाँ से। अभी इसका कुछ कारण पता नहीं चला अभी क्यों? अभी कुछ नहीं, वो जांच हो रही है, जो पूछताछ चल रही है। कितनी लड़कियाँ हैं टोटल? 5 लड़कियाँ। उम्र क्या होगी लगभग इनकी? उम्र 20 साल से ऊपर, 24 साल 25 साल के तक है इनकी।